Hello friends, welcome to Scholastic classes. Today we are going to start with the topic acceleration. And अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एक्सेलरेशन. नाउ एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. अगर आपको वेलोसिटी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आई विल पुट द लिंक फॉर दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Right now, acceleration is the change in velocity per unit time. So, change in velocity divided by time taken. Now, change in velocity means कि अगर एक object की velocity u है, initially जो initial value है velocity की वो u है, and then it changes to v in time t. So, acceleration को हम define कर सकते हैं final velocity minus initial velocity divided by time taken. ना फाइनल वेलोसिटी जैसे अभी हमने कहा कि वो हमने v ली है और इनिशियल वेलोसिटी u है एंड टाइम इज स्मॉल t. तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज v माइनस u अपॉन t. सो जो भी न्यूमेरिकल्स आप यूज करेंगे उसमें आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. नाउ द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. वाई? बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है. नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. राइट? सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसकी एक्सेलरेशन हम जीरो लेके चलते हैं. नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज हियर, दैट इज रिटार्डेशन. नाउ रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. दैट इज अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ घट रहा है या कम हो रहा है, देन वी से कि द ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्डेड है. दैट इज रिटार्डेशन हो रही है. तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी. For example, when a person applies brake on a moving car, its velocity decreases with time. Right? So let's take few numericals to understand this acceleration and retardation better. Now the first numerical is a train starting with the from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Now in this case, वो railway station से start हो रही है. That is, initially it is at रेस्ट. तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हम लेके चलते हैं यू. सो इधर इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो. एंड इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. दैट इज जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर. राइट? इन 10 मिनट्स. तो टाइम इज 10 मिनट्स. नाउ मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इस केस में. सो आज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वील डिवाइड 10 बाय 60 हियर. सो 1 बाय 6 आर हो गए हमारे पास. टाइम इज 1 बाय 6 आर. नाउ एक्सेलरेशन अभी हमने देखा इट इज़ वी माइनस यू अपॉन टी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी इज 40, यू इज 0 एंड टाइम इज 1 बाय 6. सो आई एम राइटिंग हियर 1 बाय 6. सो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इसकी? 40 ऊपर है एंड इट विल बिकम 6 बाय 1. सो आंसर विल बी 240 किलोमीटर्स पर आर स्क्वायर. वाई? बिकॉज हमने अपनी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर में ही रखी और टाइम को हमने आर में कन्वर्ट किया है. दैट इज वाई किलोमीटर पर आर स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज ऑन रिटार्डेशन. नाउ दिस इज अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आर इज ब्रॉट टू रेस्ट. नाउ हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो इन 10 सेकेंड्स. तो टाइम इज 10 सेकेंड्स. सो आई एम राइटिंग हियर यू इज इक्वल टू 54 किलोमीटर्स पर आवर एंड वी इज जीरो एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स. नाउ एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी. नाउ हियर वी कैन सी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से. सो दैट इज एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाली है बिकॉज यहाँ रिटार्डेशन है. राइट? सो वी इज इक्वल टू, नाउ वन मोर थिंग, बिकॉज हमारा टाइम जो है वो सेकेंड्स में है तो हमें इसको भी मीटर पर सेकेंड में करना चाहिए या फिर हमें टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट हमारी जो SI यूनिट है वो ठीक है, ठीक रहे. सो 54 किलोमीटर पर आर को इस केस में हम यू को 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. नाउ उसको कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो यू विल गेट हियर 15 मीटर पर सेकेंड.
So this is the value of u. Now u is converted to meter per second. Now v ko hum put kar rahe hain 0 minus 15 divided by 10, right? So this will be minus 15 upon 10, which is minus 1.5 meter per second square. Now acceleration negative hai. This is clearly indicating that this is a retardation case. So negative sign shows retardation, right? So agar magnitude poocha jayega average retardation ka, that is 1.5. I hope this is clear. If you have any doubts related to this acceleration and retardation, you can write me in the comment section. I'll definitely try to answer those. Thank you.